हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो। UPNHM नर्स भर्ती 2022, दोस्तों UPNHM की तरफ से एक्सपेक्टेड 10,000 पदों पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इसका दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, UPNHM की तरफ से एक्सपेक्टेड 10,000 पदों पर स्टाफ नर्स एंड लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे कि सर फुल नोटिफिकेशन कब आएगा, तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% सही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि फुल नोटिफिकेशन आपका कब आएगा। इसके साथ दोस्तों, आप लोग कब से ऑनलाइन कर सकती हो, किस वेबसाइट पर जो है आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हो, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आज 16 नवंबर, आज की नई अपडेट, बिल्कुल 100% सही जानकारी के साथ दोस्तों वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ऑफिशियल आप लोगों का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश किया गया है और अभी आप लोगों का नंबर वन दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है प्रेस नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और प्रेस नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों आप लोगों का जो है फुल नोटिफिकेशन आएगा और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं डेट बताऊँगा कि कब आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन आएगा, कब से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे और प्रेस नोटिफिकेशन आप लोगों का कब आएगा, इन सभी की जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं UPNHM की वेबसाइट पर। उससे पहले आपको बता दें, यह दोस्तों जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है और किस डेट में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि डेट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ किस डेट में न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले दोस्तों प्रूफ दिखाऊँगा, क्लियर है? तो वीडियो को आप लोग स्किप मत करिए, बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाली है। देखिए दोस्तों, अमर उजाला और हिंदुस्तान ई पेपर में यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था और यह दोस्तों 13 नवंबर की डेट में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। और इस नोटिफिकेशन की डेट की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2022 रखी गई है और इसका नोटिफिकेशन नंबर आप लोग जैसे नीचे आओगे तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रूफ के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, यहाँ पर देखोगे तो 13 नवंबर को दोस्तों हिंदुस्तान ई पेपर और अमर उजाला ई पेपर दोनों न्यूज़ पेपर में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, क्लियर है? तो अब यहाँ पे डेट आप लोग याद कर लो, नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पे क्या है, 9 नवंबर है और न्यूज़ पेपर में नोटिफिकेशन 13 नवंबर को पब्लिश किया गया है और अप्रूवल जो है दोस्तों बता दें आपको 12 नवंबर को दिया गया है। तो तीनों डेट मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँगा, इसके बाद लेके चलूँगा UPNHM की वेबसाइट पर। तो देखिए दोस्तों, अमर उजाला ई पेपर में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, तीनों नोटिफिकेशन आपके सामने है। हिंदुस्तान ई पेपर में नोटिफिकेशन देखोगे तो नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर नहीं दिया गया है, बाकी सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हो हिंदुस्तान ई पेपर। और ये दोस्तों हिंदुस्तान ई पेपर का यहाँ पर डाउनलोड वाला पेज है और अब यहाँ पर देखोगे तो अमर उजाला ई पेपर में दोस्तों ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, आप लोग देख सकते हो। ऊपर सबसे पहले देख लो, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट SPMU, नेशनल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, रिक्रूट फॉर कंट्रैक्चुअल वैकेंसीज, डेट यहां पे मेंशन है 9 नवंबर 2022, नोटिफिकेशन या रेफरेंस नंबर दिया गया है 5683 और यहां पे 4 पोजीशन है जिसमें एनएम की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी और फार्मासिस्ट की यहां पे वैकेंसियां हैं। अब आप लोग नीचे आओगे दोस्तों तो यहां पे बोला गया है पात्रांक संख्या दिया गया है 1741 और दिनांक यहां पे मेंशन किया गया है 12 नवंबर 2022, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। तो हम बात करेंगे तो 13 नवंबर की डेट में ये नोटिफिकेशन दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश किया गया है। तो अब यहां पे क्या होता है, UPNHM जो है दोस्तों जो नोटिफिकेशन पब्लिश करता है फुल नोटिफिकेशन दोस्तों 5 to 7 डेज के अंदर जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन पब्लिश कर देता है। तो यहां पे क्या है कि 13 नवंबर 30 नवंबर 2022 को दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से देखिए नोटिफिकेशन इन्होंने पब्लिश किया है। तो आने वाले समय में क्या है कि 16 एंड 17 नवंबर 2022 तक दोस्तों आप लोगों का 95% दोस्तों कंफर्म है कि आप लोगों का वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी हाँ, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन पब्लिश करने के बाद
अगर नोटिफिकेशन में कोई भी ने संशोधन नहीं करना है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नोटिफिकेशन में चेंजिंग नहीं करना है, तो क्या होता है कि 13 नवंबर को उन्होंने देखिए न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, तो 5 to 7 days, तो 5 से 7 दिनों के अंदर दोस्तों क्या होता है कि नोटिफिकेशन पब्लिश कर देते हैं। अगर 7 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आता है और ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है, तो क्या होगा कि 10 दिनों के अंदर आपका 100% दोस्तों फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए 17 नवंबर आप लोग डेट रख लो, 17 नवंबर को 2 बजे तक आप लोगों को ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे तक आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन भी दोस्तों पब्लिश कर दिया जाएगा। तो 17 नवंबर 2 बजे तक आप लोगों को देखना है, फुल नोटिफिकेशन भी आ सकता है और आपका ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा। किस वेबसाइट पर आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और किस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश की जाएगी, इसकी भी जानकारी देंगे। अगर 17 नवंबर को आप लोगों का दोस्तों नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं होता है और लिंक एक्टिवेट नहीं होता है, तो आप लोग 20 नवंबर नोट कर लो। जी हाँ, 20 नवंबर तक 100% दोस्तों आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ऑनलाइन भी आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे वेट करो, क्योंकि गवर्नमेंट है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, बीच में अगर संडे होगा तो संडे की वजह से भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन 17 नवंबर आप लोग नोट कर लो कि 17 नवंबर तक आप लोगों का 90% चांस है फुल नोटिफिकेशन आने का और लिंक एक्टिवेट होने का। अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग 20 नवंबर बिल्कुल कन्फर्म है, उससे पहले आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब आपको लेके चलते हैं UPNHM की वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, यह नोटिफिकेशन है और जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये दोस्तों UPNHM का रूल है और यही रूल दोस्तों फॉलो करके आ रहे हैं, उसी के बेस पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, तो ये दोस्तों UPNHM के ऊपर है, बाकी नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, UPNHM की वेबसाइट। नीचे आओगे तो अपडेट वाले पेज पर आपको सबसे पहले जाना है और अपडेट वाले पेज पर दोस्तों जाओगे तो नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट दोस्तों आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले क्लियर कर लो, UPNHM का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसे आप लोग एक बार अच्छे से देखो। फिर देखो नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि UPNHM 2400 प्लस की वैकेंसी निकाली गई थी नर्सिंग की, तो इन्होंने किया था कि 5 से 7 दिनों के अंदर जो है फुल नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया था और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका था न्यूज़पेपर के माध्यम से। जब इन्होंने सॉ नोटिफिकेशन पब्लिश किया था तो 5 से 7 दिनों के अंदर ही फुल नोटिफिकेशन भी आ गया था। इसी तरीके से जो यहाँ पे CHO ऑफिसर की अभी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका DVP चल रहा है 5,505 पदों पर, इसमें भी दोस्तों क्या हुआ कि 5 से 7 दिनों के अंदर ही आप लोगों का दोस्तों नोटिफिकेशन भी आ गया था और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका था। तो इस पेज पर दोस्तों आने वाले 17 नवंबर तक या आप लोग 20 नवंबर तक जो है प्रेस नोटिफिकेशन आ जाएगा, और प्रेस नोटिफिकेशन आने के बाद दोस्तों आपको जो है सबसे पहले जाना है रिक्रूटमेंट या कैरियर वाले पेज पर जाना है आपको। वहां पे जाओगे तो वहां पर ही आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन शो करेगा ऑनलाइन अप्लाई का और फुल नोटिफिकेशन का, क्लियर है। जैसे ही आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देखिए दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट एंड करियर का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पर भी आपके ऑप्शन शो करेंगे। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे डेट आपका मेंशन होगा, रेफरेंस नंबर के जो डेट है 9 नवंबर शो करेगा, या यहाँ पे आपको 12 नवंबर का डेट यहाँ पे शो होगा, क्योंकि दोस्तों 12 नवंबर को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है जिसका पत्रांक संख्या है 12 नवंबर। और रेफरेंस नंबर की डेट की बात करते हैं, नोटिफिकेशन डेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 नवंबर शो करेगा। UPNHM वेरियस पोस्ट, जिसमें नर्सिंग की वैकेंसी, NM की वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है और फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में एक फॉर्म चल रहा है जिसमें दोस्तों वेरियस पोस्ट है, NAMHP प्रोग्राम में है, यहाँ पे आप लोग देख लेना, इसमें 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, क्लियर है। तो इस तरह से आपका एक ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा रिक्रूटमेंट और करियर के पेज पर ही यहाँ पे शो करेगा। तो इस पेज को आप लोग चेक कर लेना है, 17 नवंबर तक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा या फिर आप लोगों का 20 नवंबर तक अपडेट यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आप लोग थोड़ा वेट करिए और आप लोग जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आएगी UPNHM के बारे में, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।